हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को पता ही है, क्लास 9th का चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोगों का कंप्लीट ही हो चुका है। जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैं करा चुकी हूँ। और जो लास्ट सेशन में मैंने आपको कराया था, वो बताया था कि डिजास्टर से बचने के लिए कौन कौन से फर्स्ट एड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, राइट? जो लास्ट बताया था सीपीआर में बता दिया था मैंने आप लोगों को। सीपीआर में बताया था ना कि अगर किसी पर्सन को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कर सकते हैं कि उस पर्सन को ना स्लोप एरिया में लिटा दीजिए, जिसकी वजह से उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एकदम स्ट्रेट हो जाए। देन उसको अपने माउथ से रेस्पिरेशन यानी कि एयर दीजिए, और एयर देने के बाद फिर अपने पाल्प से उसके हार्ट को इस तरीके से चेस्ट को यानी कि हार्ट वाले पार्ट को प्रेस करिए। और ये जो पूरी टेक्निक है ये 15 टाइम्स रिपीट करनी है। माउथ से उसको रेस्पिरेशन यानी कि एयर प्रोवाइड करनी है और पाल्प से इस तरीके से प्रेस करना है उसके चेस्ट को। तो ये पूरी एक्टिविटीज 15 टाइम्स रिपीट करनी है ताकि उसका जो बॉडी में सर्कुलेशन है ऑक्सीजन और ब्लड का, वो दोबारा से आ सके। ओके, और आज भी हम लोग कुछ और फर्स्ट एड्स हैं जो डेंजर के टाइमिंग पर हम लोग यूज कर सकते हैं अपने आप को या दूसरों को बचाने के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट इज एक्शन इम्प्लांटेड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। डिजास्टर मैनेजमेंट से बचने के लिए हमें बहुत सारी एक प्लानिंग रखनी पड़ती है और कोऑर्डिनेशन बनाना होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आप किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। किसी एक बंदे का काम नहीं होता जब तक आप कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे, टुगेदर वर्किंग नहीं करेंगे, अपने आप को दूसरों को बचाना पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया है प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डेंजर। दैट मीन कि आप किस तरीके से अपने आप को डेंजर या लॉस होने से, लॉस्ट होने से, ऐसे होता है ना हड़बड़ी मच जाती है, लॉस्ट हो जाते हैं, किस तरीके से आप उसको प्रिवेंट करते हैं, उसकी प्लानिंग आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। इम्प्रूविंग टॉलरेंस, अपनी सहन शक्ति बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि आपने सामने डेंजर देखा और आप घबरा गए, बेहोश हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो परेशान हुए, सामने वाला भी हो गया, भैया आप इसको कैसे लेके जाएंगे, तो क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो इम्प्रूविंग टॉलरेंस, अपनी टॉलरेंस पावर बढ़ाइए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ हार्म। कि किस तरीके से डिजास्टर से रिलीफ आपको प्रोवाइड हो सकता है, किस तरीके से आप उसके हार्म को मिनिमाइज कर सकते हो। प्रिपरेशन टू फेस द डिजास्टर, अगर आपको लग रहा है आप लोगों को कि आपके एरिया में कुछ डिजास्टर होने वाला है, आ सकता है, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए। क्योंकि फॉरकास्ट, जो वेदर फॉरकास्ट है, हम लोग ओशियन के एरियाज, बीच एरियाज की, या फिर हम लोग कहीं भी ऐसे ऐसे एरिया की बात करें जहाँ पे डिजास्टर आते रहते हैं, लाइक अर्थक्वेक एरिया हुआ, माउंटेन एरिया हुआ, लैंडस्लाइड वगैरह, तो आपको पहले से वहाँ पता होना चाहिए ना। गाइड खुद भी गाइड हुई, दूसरों को भी गाइड करिए कि भाई डिजास्टर आने वाला है, ऐसे अपने आप को सेव करो, इस तक सेफ जगह पर जाके रहो। इमीडिएट एक्शन इन द डिजास्टर सिचुएशन। और डिजास्टर सिचुएशन अगर आ भी गई है, कंडीशन कुछ भी आ गया, लैंडस्लाइड हो गई है, अर्थक्वेक आ गया है, फ्लड आ गया है, इमीडिएट एक्शन लीजिए। इंतजार मत करिए कि हमारे तक पहुंचेगा तब हम भागे या कुछ हुआ या किसी को फोन करें। इमीडिएटली एक्शन लीजिए और इमीडिएटली आप जितना एक्शन जल्दी ले लेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। असेसमेंट ऑफ डैमेजेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर, इसका मतलब है 6 पॉइंट का कि जो डैमेज हुआ है या फिर जो डिजास्टर की इंटेंसिटी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डैमेज हो गया है और इंटेंसिटी कितना तेज डिजास्टर आया है, कितना नहीं आया, इसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। अरेंजिंग फॉर रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प, एक रेस्क्यू टीम बना लीजिए। रेस्क्यू टीम का होता है ना, जो रेस्क्यू टीम जो कि डिजास्टर में हेल्प करती है, तो रेस्क्यू टीम को अपनी खुद की भी बनाइए और जो है उनको भी बुला लीजिए कि भाई डिजास्टर आया हुआ है, हमें सेफ करिए और बाकी लोगों को भी सेफ, डरना नहीं है। एक अपनी टीम बनाइए, हिम्मत दिखाइए। जितना आप अपना टीम बना लेंगे, टीम वर्क में रहेंगे, उतना ज्यादा आप अपने और दूसरे लोगों को सेव कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग, अब डिजास्टर में ऐसा तो है नहीं है कि भाई नुकसान ना हो, वो होता ही है, डेफिनेटली है, चाहे फिर लोगों का नुकसान हो, डेथ वगैरह हो जाती है, या फिर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग या प्राइवेट बिल्डिंग का हो, तो उसमें क्या है, रीबिल्डिंग करिए। रीबिल्डिंग का मतलब है ये मत सोचिए कि अरे सब कुछ खत्म हो गया है,
दोबारा से उस चीज को ग्रो करिए, दोबारा से रीबिल्ड करिए। ये नहीं है कि एक बार डिजास्टर आ गया सब चीज खत्म हो गई, वो चीज कभी नहीं होने चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ डिजास्टर के, हमारे यहाँ भी मतलब हमारे मन में भी नहीं होनी चाहिए, कभी कभी होता है काम बिगड़ जाते हैं, राइट। अरे ठीक है, काम बिगड़ गए, अब क्या करना है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। दोबारा से इस चीज को ट्राई करिए, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, कभी तो हम लोग उस चीज में सफल होंगे। तो कभी भी डिजास्टर से डरे नहीं, बल्कि जो पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं उन पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करके चलें तो कभी भी हमारा नुकसान कुछ नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और दिए हुए हैं, पॉइंट्स को भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट है ब्लीडिंग, कि अगर डिजास्टर में कोई विक्टिम है जिसको इंजुरी हो गई है और बहुत ज्यादा बाउंड में से ब्लीडिंग निकल रही है, देन व्हाट शुड डू इफ द विक्टिम इज इंजर्ड। अगर वो इंजर्ड हुआ है, ब्लीडिंग थ्रू द बाउंड, उसके बाउंड से ब्लीडिंग हो रही है, देन बाउंड शुड बी कवर्ड विद एन एंटीसेप्टिक पैड एंड प्रेशर अप्लाइड ऑन इट फॉर 5 मिनट्स विद आइदर थंब और पाम। आपको क्या करना है, एंटीसेप्टिक यानी कि कॉटन लीजिए, उसमें डिटॉल में या फिर सेवलॉन में डिप करके उस बाउंड से लगा दीजिए, थोड़ी सी जलन होगी, एंटीसेप्टिक है कोई बात नहीं, जलन होती है, और जलन उसको 5 मिनट के लिए अपने थंब इस तरीके से या फिर पाल्म से दबा दीजिए, ताकि उसमें प्रेशर अप्लाई हो, और प्रेशर अप्लाई होने की वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। क्योंकि सबसे पहला काम है ब्लीडिंग स्टॉप करना, डॉक्टर के पास ले जाना, ये सब तो बात की चीजें हैं। कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, कोई इंजर्ड हो गया है, एनीथिंग, सबसे पहला काम होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करना। क्योंकि अगर ब्लीडिंग की वजह से हमारे बॉडी में से ज्यादा ब्लड रिलीज हो गया तो हमारे बॉडी में फिर और डेंजर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी तक तो सिर्फ ब्लड का डेंजर था, और चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रैक्चर एंड इम्पैक्ट ऑन वर्टिब्रेट। अगर कोई बाई चांस किसी भी डिजास्टर में फ्रैक्चर हो गया है, भाई कोई गुड गिर गया पैर पर हाथ पर, या वर्टिब्रेट कॉलम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इम्पैक्ट हो गया है, देन हम क्या करें, इफ बोन इज फ्रैक्चर, बाई चांस हो जाती है कभी कभी, इट इज एसेंशियल दैट द फ्रैक्चर पार्ट टू बी इमोबिलाइज्ड। इमोबिलाइज्ड का मतलब है नो मूवमेंट, कि अगर किसी बोन में फ्रैक्चर हो गया है तो ये बहुत जरूरी होता है कि उस पार्ट को ना बिल्कुल मूवमेंट ना कराया जाए। आप जितना उसमें मूवमेंट कराओगे ना, उतनी ज्यादा वो जो बोन है वो डिसलोकेट होती जाएगी, और जितना डिसलोकेट होगी फिर उसको उतना ठीक करना प्रॉब्लम में आ जाता है। तो बेटर है उस पार्ट को तो बिल्कुल भी मूवमेंट ना कराए, इमोबिलाइज करते हैं। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एनी अवेलेबल वुडन रॉड, बैटन या फिर रूलर। अगर आपको लग रहा है कि अगर हम उसका पार्ट को मोबिलाइज नहीं करेंगे तो फिर उसको हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको कुछ रॉड रूलर या फिर बैट दे दीजिए, ताकि वो उसका सहारा ले और फिर उसके सहारे से वो चल सके, ताकि उसके बोन पे कोई इफेक्ट या प्रेशर ना पड़े, और बोन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो फिर उसकी जो जो डिसलोकेशन है बोन का वो भी नहीं होगा। इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द बैक ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, अगर वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैक में जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, अगर उस पे कोई इम्पैक्ट हुआ है तो पेशेंट शुड बी कैप्ट इमोबेबल। पेशेंट को बिल्कुल विदाउट एनी मूवमेंट स्ट्रेचर पे लिटा दीजिए। यहाँ तो उसको कुछ नहीं देना, रॉड वुड रूलर बैट कुछ नहीं देना है। यहाँ तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, बड़ी नाजुक सी होती है, सेंसिटिव होती है, तो इसमें तो रॉड बैट रूलर किसी से काम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल पेशेंट को स्ट्रेचर पे इमोबाइल कर दीजिए। इमोबाइल का मतलब बिना किसी मूवमेंट के, अगर उसने थोड़ा सा भी मूवमेंट कर लिया तो स्पाइनल कॉर्ड के जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो बोन्स है, जो डिसलोकेट होंगे, तो दोबारा लगता नहीं है कि वो ज्वाइन हो पाएंगे, तो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे बर्न यानी कि जलना। इफ विक्टिम हैव बर्न इंजरी, अगर कोई जल जाता है, इट इज बेनिफिशियल टू होल्ड द इंजर्ड पार्ट अंडर क्लीन एंड कोल्ड फ्लोइंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। आपको क्या करना है, जहां पर जला है, इंजर्ड पार्ट है, उसको पहले तो साफ कर लीजिए, साफ कर लीजिए अच्छे से कॉटन वगैरह से, और फिर कपड़ा ले लीजिए या फिर कॉटन को कोल्ड वाटर में डिप करके उस इंजर्ड पार्ट पे 10 मिनट तक लगा दीजिए। थोड़ा सा जो बर्निंग सेंसेशन है कम हो जाएगा, बर्न नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि बर्न नहीं हुआ है, वो बर्निंग सेंसेशन खत्म हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम उसको बहुत ज्यादा हो रही थी, वो थोड़ा सा डॉक्टर या हॉस्पिटल पहुंचने तक उसको रिलीफ मिल जाएगा। फॉर इंजरीज लाइक स्प्रेन ट्विस्टिंग एंड कॉन्ट्यूजन, द राइस रेमेडी शुड बी अप्लाइड। राइस, राइस इज द फुल फॉर्म, राइस इज नॉट द क्रॉप, राइस इज द फुल फॉर्म। रेस्ट, आइस कॉम्प्रेशन एंड एलिवेट कब किया जाता है,
जब स्प्रेन हो जाता है, ट्विस्टिंग हो जाती है, कॉन्ट्यूशन हो जाता है, इस टाइमिंग पर क्या करना है आपको, ये राइस मेथड फॉलो करना है। सबसे पहला आर यानी कि रेस्ट, अलाउ द विक्टिम टू सिट इन अ रिलैक्स पोजीशन। आप जो विक्टिम है ना उसको एकदम रिलैक्स पोजीशन में लिटा दीजिए या बिठा दीजिए, कोई मूवमेंट नहीं। सेकेंड, अप्लाई ऑन आइस पैक टू द इंजर्ड पार्ट। दूसरा क्या करना है, जहां पर उसको स्प्रेन या ट्विस्टिंग हुई है वहां पर आइस लगा दीजिए, आइस पैक लगा दीजिए। थर्ड क्या करना है, कंप्रेशन। आफ्टर द आइस पैक ट्रीटमेंट द इंजर्ड पार्ट शुड बी मसाज जेंटली। जब आइस पैक ट्रीटमेंट हो जाए आधा घंटे तक या 40 मिनट तक, आपके क्या करना है, कॉम्प्रेशन उस पार्ट को यहाँ पे जहाँ पे स्प्रेन हुआ है, ट्विस्टिंग हुआ है, इस तरीके से मसाज करिए। राइट है, मसाज से क्या होता है, जो नर्व जो डिसलोकेट हो गई है ना, वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आने के चांसेस रहते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हो जाएगी, चांसेस रहते हैं, बाकी का डॉक्टर का काम होता है अपना। उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है यहाँ पर एलिवेट द इंजर्ड पार्ट शुड बी कैप्ट इन अ रेस्ट और एलिवेटेड पोजीशन। और जो इंजर्ड पार्ट है ना उसको हमेशा एलिवेटेड पोजीशन यानी कि स्ट्रेट रखना चाहिए एंड अपर डायरेक्शन में रखना चाहिए। एलिवेटेड यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में, ये होता है कभी भी आपने देखा होगा किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, स्प्रेन हो जाती है, ट्विस्टिंग हो जाता है, एनीथिंग, तो आपने देखा हॉस्पिटल में उसके हाथ को इस तरीके से अगर हो गया कुछ भी ऐसे रखेंगे, पैर को भी इस तरीके से कर देते हैं यानी कि एलिवेटेड में करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बोन या फिर जो नर्व है ना उसमें कोई ट्विस्टिंग नहीं होती है, बीच में कुछ कर्व नहीं होता है। जैसे मैं अगर कर्व हो रहा है ना इस तरीके से, मैं ऐसे हार्ट करूँ, कर्व हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो इस तरीके से करने से क्या है, नर्व में कोई कर्व नहीं आएगा, नर्व जो डिसलोकेट हुई है अपनी पोजिशन पे दोबारा से वापस आ जाएगी कुछ टाइम बाद। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा इंजर्ड पार्ट है उसे हमेशा एलिवेट रखें। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, होगा। राइस का भी और एग्जाम में पूछा हुआ है राइस का, तो राइस की जगह क्रॉप ना लिखे भाई, रेस्ट, राइस, कॉम्प्रेशन एंड एलिवेशन। नाउ हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम ऑफ पेशेंट। अब देखिए यहाँ पर कि अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने कोई विक्टिम है या पेशेंट है, तो आप उसको कैसे ट्रांसपोर्ट यानी कि कैसे उठा के हॉस्पिटल या डॉक्टर तक पहुंचा सकते हैं, कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड आता है यहाँ पर क्रेडल मेथड। क्रेडल मेथड में क्या करना है, यूजफुल फॉर चिल्ड्रन, ये ज्यादा बच्चों के लिए होता है एंड अंडर वेट विक्टिम। इसमें क्या कर सकते हैं आप, बच्चों को गोद में उठा के, क्रेडल मेथड मतलब गोद में उठा के उसे सहारा देके, कंधे से सहारा देके आप उसे ले जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का वेट तो ज्यादा होता नहीं है, आराम से उठ जाएंगे। दिस इज क्रेडल मेथड, बेस्ट है। सेकंड मेथड है कैरी पिगी बैग, कैरिंग पिगी बैग, यूजफुल फॉर कैरिंग पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस। ये ऐसे पेशेंट के लिए अच्छा होता है जो बेहोश हो गए, चाहे वो बच्चों में हो, चाहे वो बूढ़ों में हो, चाहे एडल्ट में हो। कैरिंग पिगी बैग यानी कि अपने बैग पर, शोल्डर पर उसको अपने लेके जाना। इससे क्या होता है, जो कॉन्शियस है ना उस थोड़ा सा उसको सहारा मिल जाता है, उसको जो कॉन्शियस क्या है वो बेहोशी की हालत में, उसे नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं है, तो उस तरीके से क्या पकड़ने से क्या उसको सहारा मिल जाता है ताकि वो पीछे की डायरेक्शन में नहीं गिरे। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर ह्यूमन क्रच मेथड। इफ वन ऑफ द लेग इज इंजर्ड, अगर आपको लग रहा है कि किसी पर्सन की एक लेग इंजर्ड हुई है, द विक्टिम शुड बी सपोर्टेड विद मिनिमम लोड ऑन द अदर लेग। उसे क्या करना है कि उस लेग पर उसको बिल्कुल प्रेशर नहीं लगने देना है, उस लेग पे जो इंजर्ड लेग है उसको बिल्कुल प्रेशर नहीं लगने देना है। दो बंदे क्या करना है, जैसे दो बंदे से सपोज करिए कि किसी पर्सन को चोट लगी है, तो एक उसके लेफ्ट साइड में एक उसके राइट साइड में, दोनों उसके हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए ताकि उसके पैरों पर फोर्स ना लगे, फिर उसको उठा उठा के ले जाइए। एक होता है यहाँ पर पुलिंग और लिफ्टिंग मैथड। दिस इज मैथड यूज फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस। पुलिंग और लिफ्टिंग मैथड में क्या होता है कि दो पर्सन होते हैं उसको उठा लेते हैं एक, मतलब दोनों हाथ करके, जैसे आप देख सकते हैं ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस वन ये दो पर्सन है और ये अनकॉन्शियस है, कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो उसको क्या किया गया है इस तरीके, वेट ज्यादा नहीं उठा पाया अभी पिगी बैग में यानी कि बैक साइड पे, या फिर क्रेडल मेथड नहीं यूज कर पाया, तो इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब ह्यूमन क्रच मेथड तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमारे कॉन्शियस में होता है, ये अनकॉन्शियस है। तो यहाँ पर क्या किया, दो पर्सन ने एक पीठ से हाथ लगाया और दूसरा पैरों से हाथ लगाया, फिर उसको दोनों पर्सन उठा के ले गए। ये होता है आपका पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड। एक खुद है आपका कैरिंग ऑन फोर हैंड चेयर। नेक्स्ट मेथड इज कैरिंग ऑन फोर हैंड चेयर। इसमें क्या करना है, दिस इज यूजफुल व्हेन सपोर्ट इज नीडेड फॉर द पार्ट बिलो द वेस्ट। ये उन पर्सन के लिए अच्छा है जिनको वेस्ट से सपोर्ट चाहिए, कि वेस्ट से उनकी बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, उनको सपोर्ट चाहिए, तो उनको क्या करना होता है,
जैसे आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये उठा के ले जाना है, ये लाइक दैट इस तरीके से उठा के ले जाएंगे। इसे हम बोलते हैं कैरिंग ऑन फोर हैंड चेयर। फोर हैंड चेयर हो गई ना, टीचर उसके हम लोगों ने चारों तरफ से उसको पूरा पकड़ लिया, इसे बोलते हैं कैरिंग ऑन फोर हैंड चेयर। नेक्स्ट आता है कैरिंग ऑन टू हैंड चेयर। नाउ व्हाट इज टू हैंड चेयर? यूजफुल फॉर दोज पेशेंट हु कैन नॉट यूज देयर हैंड बट कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट। ऐसे पर्सन के लिए अच्छा होता है कि वो अपनी बॉडी को तो अपना थोड़ा सा कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन हाथ पर उनके काम नहीं करें। अगर उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, हैंड्स काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो काम कर रही है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? टू हैंड चेयर मेथड यूज करिए। टू हैंड चेयर में क्या है, यहाँ पर उसको ना एक सेकेंड स्टूडेंट स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज मुझे आपको थोड़ा सा सही करनी है। ये जो क्रेडल मेथड था ना, ये तो मैंने आपको बता दिया, बच्चों को गोद में उठा के ले जाना। कैरिंग पिगी बैंक, जो कि आपका ये पीठ पर उठा के ले जाना, राइट। जो ह्यूमन क्रच मेथड है ना, ये ह्यूमन क्रच मेथड दिस वन, यहाँ पर इस तरीके से उसको संभाल के ले जाना, थोड़ा सा शोल्डर पे उसको सहारा देके उसको ले जाना, ये होता है ह्यूमन क्रच मेथड। जो पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड है, पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड में आपका ये आ जाएगा, यानी कि दो पर्सन क्या है उसको पुल करके, यानी कि उठा उठा के ले जाए। थर्ड, ये जो हमारा नेक्स्ट था कैरिंग ऑन फोर हैंड चेयर, फोर हैंड चेयर में ये दिस वन, ये वाला आ जाएगा आपका कैरिंग ऑन फोर हैंड चेयर, यानी कि दो लोग मिलके क्या है चेयर बना लेंगे, उस पे इंसान को फिर ले जाएंगे। और यहाँ पे जो आपका बोला गया था दिस वन कैरिंग ऑन टू हैंड चेयर, टू हैंड चेयर में क्या करना है यहाँ पर, कि उसको दोनों पर्सन को, दोनों पर्सन क्या करेंगे उसको इस तरीके से, यानी कि दो हाथ पीछे और दो हाथ उसके लेग्स के नीचे इस तरीके से ले जाएंगे। यहाँ पर क्या था, पूरा चेयर बना दी हाथों से, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चेयर बना दी थी, जिसे हमने बोला फोर हैंड चेयर। यहाँ पर चेयर नहीं बनाई है, बल्कि दो हाथ पीछे लगाए हैं, दो हाथ उसके पैरों पर लगाए हैं, देन उसको उठा के ले गए, उसे हम बोलते हैं कैरिंग ऑन टू हैंड चेयर। और जो आपका लास्ट बोला गया ना, यहाँ पर मेथड यूज होता था फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड में आप कर सकते हैं कि उसको पुल करके ले जाइए, लाइक दैट इस तरीके से पूरा उठा के ले जाइए, ये होता है फायर ब्रिगेड मेथड। जब फायर वगैरह लग जाती है तो ये होता है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट स्ट्रेचर आपको दिखाई दे रहा है। स्ट्रेचर में क्या होता है, ये बहुत ही इमरजेंसी है। इफ अ कन्वेंशनल स्ट्रेचर इज नॉट अवेलेबल, अगर जो हॉस्पिटल की जो स्ट्रेचर है अवेलेबल नहीं है, देन अ टेम्पररी स्ट्रेचर कैन बी मेड यूजिंग बैम्बू एंड ब्लैंकेट। आप क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंकेट बिछा लीजिए या फिर जो बैम्बू की स्टिक्स होती है उससे स्ट्रेचर बना लीजिए, देन पेशेंट को उस पर लिटा के ले जाइए। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन अब ठीक हो गया है। दोबारा देख लीजिए एक बार, क्रेडल मेथड दिस वन, इस तरीके से गोद में उठा के ले जाना। कैरी पिगी बैग, पीछे बैक साइड पे उठा के ले जाना। ह्यूमन क्रच मेथड में शोल्डर से सहारा देना है। पुलिंग और लिफ्टिंग हैंड में दो पर्सन उसको उठा के ले जाते हैं। कैरिंग ऑन फोर हैंड चेयर में दो लोग मिलकर अपने हैंड से इस तरीके से चेयर बना लेते हैं, देन उस पर्सन को बिठा के ले जाते हैं। कैरिंग ऑन टू हैंड में, जो हमारा कैरिंग ऑन टू हैंड आपको दिखाई दे रहा है, कैरिंग ऑन टू हैंड में क्या करते हैं यहाँ पर, कि जो पर्सन है एक दो हाथ पीछे शोल्डर पे लगाता है और दो हाथ लेग पे लगाता है, तो यहाँ चेयर नहीं बनी, सिर्फ दोनों हाथ पर अलग अलग लगाया। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फायर ब्रिगेड वाला। फायर ब्रिगेड में क्या है, वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गया है, तो उसको इस तरीके से अपने शोल्डर पे लाइक दैट लटका के ले जाना। और लास्ट होता है यहाँ पर स्ट्रेचर वाला दिस वन। स्ट्रेचर में क्या करते हैं, किसी ब्लैंकेट या फिर बैम्बू की स्टिक से स्ट्रेचर को बना लिया जाता है, एंड उस पर लिटा के उस पर्सन को ले जाते हैं। आई होप ये जितने भी आपके हम लोगों के पेशेंट्स के ट्रांसपोर्ट करने के वे हैं वो आपको समझ में आ गए। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक बचता है, जो कि है अदर इमरजेंसी मेजर। कि ये तो हमने कॉमन देख ही लिए कि जो कॉमन है किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, बाकी के इसके अलावा बहुत सारे अदर इमरजेंसी मेजर हैं। जैसे सबसे फर्स्ट वाला बोला गया है, बोट्स आर यूज्ड बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू रेस्क्यू द पीपल ट्रैप्ड इन अ फ्लडेड एरिया। आप लोगों को पता ही है इमरजेंसी मेजर में, सपोज करिए कहीं फ्लड आ गया है, तो फ्लड से बचने के लिए जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बोट्स भेजी जाती है बचाने के लिए, राइट। बोट्स भेजी जाती है और बोट से के थ्रू क्या होता है, उन लोगों को बचाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है जहां पर पानी नहीं है। तो यहाँ पर अदर इमरजेंसीज है।
सेकेंड पॉइंट में बोला गया है, एज एन इमरजेंसी मेजर वुडन बोर्ड्स, बैम्बू फ्लोर्स, एयर फिल्ड रबर ट्यूब फ्रॉम अ टायर कैन बी यूज्ड टू एडवांटेज। देखिए अगर जैसे इमरजेंसी में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बोर्ड नहीं आ पाई है, गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड नहीं आ पाई है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वुडन की, वुड की बोर्ड्स, क्योंकि जो वुड है पानी पे तैरती है ना, वो नीचे नहीं जाती है, तो वुडन बोर्ड्स को यूज कर सकते हैं, या फिर बैम्बू की स्ट्रिक्स होती हैं जो कि वाटर में फ्लोट करती है, उनका यूज कर सकते हैं। एयर फिल्ड रबर ट्यूब टायर होते हैं ना, चाहे फिर वो किसी गाड़ी के टायर हो या साइकिल के टायर हो, और उसमें पूरी तरीके से हवा फिल्ड है, तो क्या है, हम उसको एज अ एडवांटेज यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, वो पानी पर तैरते हैं। आप लोगों को पता ही है कि जो रबर है अगर उसमें एयर फिल्ड है तो क्या है, वो पानी पर फ्लोट करती है। अगर तो ये कब है, तो ये तब यूज कर सकते हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वोट नहीं आई है और वहां पर वोट की रिक्वायरमेंट है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो उस टाइमिंग पर आप इनका यूज कर सकते हैं। आई होप अब आप लोगों को चैप्टर क्लियर हो गया होगा, बाकी भी चैप्टर था। एंड मैंने बच्चों के कमेंट्स भी देखे थे, बच्चों ने कहा भी था कि बहुत ईजी चैप्टर है एंड बहुत अच्छे से उनको समझ भी आ गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसी के साथ हम लोगों का ये जो 9th क्लास का चैप्टर था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये यहाँ पर फिनिश हो गया है। बहुत इजी था, तो जल्दी भी फिनिश हो गया है, क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, रिविजन इज मस्ट। भले कितना भी इजी चैप्टर है, लेकिन जब तक रिविजन नहीं है तो बिना रिवीजन के कहीं ना कहीं डाउट आ ही जाता है, हम लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज में, तो रिवीजन तो बहुत जरूरी होता है। आशा करती हूँ आप लोग रिवीजन के साथ वहाँ पे करते रहे होंगे। और यहाँ पे इसी के साथ जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम लोग जो 9th क्लास का चैप्टर है वो भी बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जहाँ पर जो मैंने अभी आपको जो चैप्टर कराए हैं 9th क्लास के, एक इन्वायरमेंटल हो गया, यूजफुल और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला हो गया, उनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं, राइट? एक वीडियो हम ऐसा जरूर बनाएंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को क्या होता है, जो उनकी एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं या जो मिड क्वेश्चन होते हैं, काफी उनको प्रॉब्लम रहती है। वैसे तो मैं करा देती हूँ मिड क्वेश्चन जो होते हैं, मैं छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन स्टिल काफी सारे क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा है जो मिड ऑफ द क्वेश्चन, मिड ऑफ द चैप्टर पूछे जाते हैं या फिर एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जहां पर इन दो चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको कराए जाए, ताकि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या होम एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ वीडियो आज की जो क्लास है हमारी फिनिश करते हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी क्लास 9 के न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।